एप्पल वॉच जल्द ही मॉनिटर कर सकेगी ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज और अल्कोहल लेवल। एप्पल ने एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप के साथ डील की है जो कि इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करके ब्लड मॉनिटरिंग सेंसर बनाती है। एप्पल वॉच आने वाले समय में शरीर में ग्लूकोज और अल्कोहल लेवल जांचने के अलावा शरीर का ब्लड प्रेशर भी माप सकेगी, ऐसा एक रिपोर्ट में सामने आया है। कुपर्टिनो आधारित कंपनी ने एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप के साथ डील की है जो कि इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करके ब्लड मॉनिटरिंग सेंसर बनाती है। एप्पल की इस अनुमानित वॉच का लॉन्च टाइम अभी नहीं बताया जा सकता है। पिछले दिनों की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार एप्पल एक विषम वेरिएंट पर भी काम कर रही है। इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों को कहना है कि यह दूसरा मॉडल एथलीट्स और अत्यधिक खेल उत्साही लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन SEC रॉकली फोटोनिक्स के साथ फाइलिंग कर रहा है। यह संभव है कि भावी एप्पल वॉच मॉडल अब ग्लूकोज और अल्कोहल लेवल भी मॉनिटर कर पाएगा। स्टार्टअप ने कहा कि दो बड़े ग्राहकों के द्वारा फर्म का रेवेन्यू 2020 में 100% रहा और 2019 में 99.6% रहा। रॉकली फोटोनिक्स स्वास्थ्य और खुशहाली संबंधी सेंसर्स बनाती है जिनमें इंफ्रारेड लाइट के द्वारा रक्त जांच करने वाली एप्लीकेशन भी शामिल है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सेंसर्स ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही ग्लूकोज और अल्कोहल लेवल भी माप सकते हैं। न्यूयॉर्क में सार्वजनिक होने जा रहे एप्पल और इस स्टार्टअप के बीच के संबंध से यही बात सामने आती है कि आईफोन बनाने वाली यह कंपनी अब भविष्य में आने वाले अपने प्रोडक्ट्स में ब्लड शुगर मॉनिटर करने वाली कार्यप्रणाली भी लेकर आएगी। रिपोर्ट में रॉकली फोटोनिक्स के CEO एंड्रू रिकमैन के द्वारा यह भी कहा गया है कि कंपनी द्वारा बनाई जा रही टेक्नोलॉजी आने वाले साल 2022 के प्रोडक्ट्स में देखने मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनकी यह तकनीक एप्पल के ही उत्पादों में देखने को मिलेगी। फिलहाल की एप्पल वॉच में हृदय गति मापने के सेंसर दिए गए हैं। वही कहा जा रहा है कि एप्पल एक अन्य वेरिएंट एक्सप्लोरर एडिशन पर काम कर रही है जो कि इस साल के अंत या साल 2022 की शुरुआत तक मार्केट में आ सकता है।